कि ड्रग अब्यूज से हमारे माइंड पे क्या असर होता है। फिजिकल पे तो हमें पता चल गया कि पूरी बॉडी के सिस्टम को ही सत्यानाश कर देंगे, वो खत्म कर देंगे धीरे धीरे। तो अब माइंड पे क्या असर होता है, सबसे पहले रिड्यूस जो शॉर्ट टर्म इसका इफेक्ट है वो ये है कि एंजाइटी को थोड़ा रिड्यूस करता है। एंजाइटी समझते हो, जैसे हमें डर लगता है ना, लोग कहते हैं ना ड्रिंक करने के बाद कि बंदा दलेर हो जाता है, बोलते हैं ऐसा। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो वो एंजाइटी को दूर करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमें एंजाइटी में ही डुबो देता है। बंदा सारी जिंदगी डर डरे रहता है, वो बिना ड्रिंक के कर ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन पावर जो होती है वो वीक हो जाती है। जो बंदा सब्सटेंस यूज करता है वो कंसंट्रेशन नहीं कर सकता, वो फोकस नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म यूज की बात करें, लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ की बात करें, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, मेमोरी प्रॉब्लम्स रहती हैं, सोशल प्रॉब्लम रहती है। सोसाइटी में आप देखना कि जो बंदे नशेड़ी होते हैं, जो नशा करते हैं, उनकी ज्यादा सोशल इंटरेक्शन नहीं होती है, लोग उनके साथ बात करना, उनके साथ बैठना, उनके साथ डिस्कस करना पसंद नहीं करते हैं, और वो धीरे धीरे सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, लोग उनसे बात ही नहीं करते, ठीक है। उसके बाद कंफ्यूजन, वो कंफ्यूज रहते हैं, इनसोम्निया, नींद नहीं आती उनको। जो बंदा सब्सटेंस यूज करता है ना, उनको नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती, ये उनकी मेंटली प्रॉब्लम है। उसके बाद मूड प्रॉब्लम्स, उनका मूड का ही पता नहीं चलता, वायलेंट रहते हैं हमेशा, अग्रेसिव, लड़ने में। आपने नोटिस किया होगा ऐसा होता है, ये प्रॉब्लम है। ये कौन सी है, मेंटल प्रॉब्लम है उन पेशेंट्स।